हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा होम्स पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दिल्ली जैसे प्राइम लोकेशन पे 3 BHK का फ्लैट। जी हाँ, सुपर से भी ऊपर है ये फ्लैट आपका। इतना मस्त था, इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है, आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाओ क्या फ्लैट है। चलिए अब फ्लैट की बात करूँ तो आपका जो ये फ्लैट है पूरा 90 गज का रहने वाला है और साथ में आपको लिफ्ट पार्किंग भी मिल रही है। एंड नियर बाय की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे आपका उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन है। जी हाँ, कितने पास में मिल रहा है आपको मेट्रो स्टेशन भी, और नियर बाय पार्क, जिम, स्कूल, ATM सब कुछ आपको पास में मिलने वाला है। इसकी आपको बता दूँ कि ये जो हमारा फ्लैट है फ्रंट साइड का फ्लैट रहेगा एंड जो गली रहेगी 20 से 25 फुट की आपकी गली रहेगी। और इस फ्लोर पे ही सिर्फ 2 फ्लैट बने हुए हैं। आपका ये फ्रंट साइड का फ्लैट है और बैक साइड में एक फ्लैट और बना हुआ है 3 BHK का। तो देरी ना हो जाए कि आप आए जब तक ये बिक जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं कि आपको 90% लोन तो आपको इजिली मिल ही जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस फ्लैट को। हम आ चुके हैं अपने फ्लैट की ओर, तो देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट साइड में ही आपका स्टेयर एरिया रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक फ्लोर पे 2 फ्लैट बने हुए हैं तो एक फ्लैट ये बना हुआ है। तो अब हम एंट्री करते हैं अपने फ्लैट की ओर। तो देख रहे हैं कि आपका ये लिविंग एरिया कितना स्पेशियस है, और जैसे कि हमने यहाँ पर सोफा डाल के दिया हुआ है तो भी आपको कितना स्पेस मिल रहा है। और इंटीरियर डिज़ाइन तो मैंने आपको बताया था कि कितना प्यारा लग रहा है। बैकग्राउंड में तो देखेंगे तो हम यहाँ पर वॉलपेपर भी लगाया, हमने मिरर वर्क किया हुआ है वो भी टाइलों के वर्क के साथ। साइड में आप देख रहे हैं कि वुडन का वर्क किया हुआ है। एंड जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि हमने आपका मंदिर नहीं बनाया, फ्लैट में मंदिर नहीं बनाया, तो देखिए यहाँ पर हमने मंदिर भी आपको बना के दिया हुआ है ना। कितना प्यारा लग रहा है आपका ये मंदिर। लिविंग एरिया में आपको मंदिर मिल रहा है और क्या चाहिए। अब देखिए मैं आपको स्पेस दिखा दिया, तो मैं आपको बता दूं कि आप सोचेंगे कि यहाँ टीवी पैनल के लिए स्पेस का है, तो हमने वो भी स्पेस दिया हुआ है ताकि आप इजीली टीवी स्टोर कर सकें। कितने ड्रॉर्स दिए हुए हैं आपके सामान रखने के लिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको सामान रखने में। राइट साइड में भी देखेंगे तो हमने यहाँ पर मिरर वर्क किया हुआ है। ऊपर देखेंगे तो हमने कितना प्यारा सा फॉल्स सीलिंग वर्क किया हुआ है। और ये झूमर किस तरह से शाइन कर रहा है, ये हॉल की तो शोभा को ही बढ़ा रहा है। नीचे फ्लोरिंग की साइड देखेंगे कि यहाँ पर हमने टाइलें लगाई हुई है एंड कितनी शाइन कर रही है। हमने आपको यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है और देख रहे हैं आपको सामान ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर लाइट लगा के दी हुई है, LED लाइट। ऊपर की साइड में हमने हैंगिंग लैंप लगा के दिया हुआ है और नॉइज फ्री सिंक हम आपको लगा कर दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं कि साइड में हमने स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि आपका यहाँ पर फ्रिज आ सके, तो है ना ये स्पेशियस सी किचन। तो आइए अब हम इसका फर्स्ट बेडरूम भी देख लेते हैं। तो आ गए हम अपने फर्स्ट बेडरूम में, तो आप देख सकते हैं कि कितना स्पेशियस सा हमारा ये फर्स्ट बेडरूम है। बैकग्राउंड में देखेंगे तो हमने वॉलपेपर नहीं लगाया, वो ही लुक देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर आप ब्यूटीफुल सी फॉल सीलिंग देख सकते हैं, फैन हम आपको लगा कर दे रहे हैं। एंड मेरे लेफ्ट साइड में हमने आपको अलमीरा भी लगा कर दी हुई है कि आपको लेके आने की जरूरत नहीं है। तो देखिए स्पेशियस सी आपकी अलमीरा, 2-साइडेड ओपन हो सकती है ये। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये मास्टर बेडरूम रहने वाला है और फुल्ली वेंटिलेटेड तो हमेशा की तरह होता ही है हमारा फ्लैट। तो फ्रंट साइड में आप देखेंगे कि हमने टीवी पैनल के लिए स्पेस दिया हुआ है कि आप यहाँ बैठ के आराम से मूवी का मजा ले सकते हैं। और देख रहे हैं कि कितना आपको स्पेस के साथ दिया हुआ है ये टीवी पैनल, एंड नीचे भी हमने आपको ड्रॉर दिए हुए हैं। तो आइए अभी हम इसका वॉशरूम देखते हैं। इतना शानदार सा आपको यहाँ का बाथरूम मिल रहा है, देख रहे हैं टाइलों का वर्क एंड टू एंड लगी हुई है। सैनिटरी फिटिंग हम आपको करवा कर देते हैं, मिरर लगा हुआ है,
पार्टीशन दिया हुआ है, एलईडी लाइट्स लगाई हुई है, हमने वॉशरूम देख लिया। मैं बता दूं आपको ड्रेसिंग टेबल लेकर आने की भी जरूरत नहीं है, वो भी हम आपको यहीं पर ही लगा कर दे रहे हैं। मेकअप का सामान भी रख सकते हैं, हमने साइडिंग टेबल भी आपको लगा कर दी है। एंड जैसे मैंने बताया कि फुल्ली वेंटिलेटेड है, तो हम विंडो कैसे मिस कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा फर्स्ट बेडरूम? तो चलिए अब हम सेकंड बेडरूम की ओर चलते हैं। तो अब आ गए हम अपने सेकंड बेडरूम में। जैसे कि फर्स्ट बेडरूम में स्पेस था, तो वैसे देख सकते हैं कि सेकंड बेडरूम में आपको उससे भी ज्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है। बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमने कुशन वर्क किया हुआ है और ऊपर भी हमने पार्टीशन दिया हुआ है, वो भी एलईडी लाइट्स के साथ। और ऊपर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल से फॉल सीलिंग वर्क। पैर हम आपको लगा कर दे रहे हैं। मैं आपको फ्रंट साइड में दिखाती हूँ कि हमने यहाँ टीवी पैनल के लिए स्पेस दिया हुआ है। जितना भी बड़ा आपका टीवी होगा ना, आप इजिली यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो 60 इंच का हो या 55 इंच का हो, आप इजिली यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। नीचे स्पेस देख रहे हैं कि गोल्डन का वर्क किया हुआ है और नीचे हमने आपको ड्रॉर दिए हुए हैं। और इस रूम में भी हम आपको अलमीरा लगा कर दे रहे हैं, वो भी फुल स्पेस के साथ है ना। कितने स्पेस के साथ मिल रही है आपको अलमीरा। एंड अगर आप गर्मियाँ आएगी तो एसी भी लगाना चाहेंगे, तो हमने स्प्लिट एसी के लिए स्पेस दिया हुआ है। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ का थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में लेके जाने से पहले मैं आपको यहाँ का कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ। शाफ्ट हम आपको लगा के दे रहे हैं, विंडो लगा के दे रहे हैं, टाइलों का वर्क किया हुआ है, सैनिटरी फिटिंग देख सकते हैं हम आपको करवा कर दे रहे हैं। वॉश मशीन भी हम आपको यहाँ पर लगा कर दे रहे हैं विद मिरर। और मिरर में एक स्पेशल चीज भी है, यहाँ पर हम आपको सेंसर लगा कर दे रहे हैं लाइट के लिए, जिसे आप लाइट चेंज भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम में। तो देख रहे हैं कि कितना स्पेशियस है ये बेडरूम है, और बेड डालने के बाद भी यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि बेड डालने के बाद भी यहाँ पर कितना स्पेस है। बैक साइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर कुशन वर्क किया हुआ है। एंड साइड में देख रहे हैं, हमने आपको यहाँ स्टडी टेबल लगा कर दी है। आप यहाँ पर कंप्यूटर रख के वर्क भी कर सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर बैठ के। एंड हमने आपको विंडो यहाँ लगा कर दी हुई है, हमने आपको यहाँ पर अलमीरा लगा कर दी हुई है, ताकि आपके जितने भी सामान है इजिली स्टोर हो सके, स्पेस की आपको कोई भी कमी ना हो। फ्रंट साइड में देखेंगे तो टीवी पैनल के लिए इस रूम में भी स्पेस दे रहे हैं कि आप वहाँ पर मूवी का मजा ले सके, इजिली टीवी स्टोर कर सके। पीछे की साइड में हमने आपको स्पेस के लिए जगह दी हुई है, ताकि आपके रिमोट है, चार्जर है या कुछ भी है यहाँ पर रख सके। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ बालकनी की ओर। कितनी स्पेस के साथ मिल रही है आपको ये बालकनी। व्हील्स हम आपको लगा कर दे रहे हैं। और फ्रंट साइड का आपका ये फ्लैट है, तो देख सकते हैं कि आपके लिए गली, यहाँ कॉफी का मजा ले सकते हैं आप। सो कैसा लगा आपको ये घर? शानदार सा है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि इतना मस्त शानदार सा ये घर रहेगा आपका। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है ये फ्लैट, तो फिर सोचना क्या है, जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, विजिट करें हमारे ऑफिस में, फ्लैट को बना लें अपना। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही शानदार से फ्लैट लेके आती रहूंगी।